नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कह रहे हैं कि आपके अंगूठे में ये वस्तु लगा के, हाथ के अंगूठे में ये वस्तु लगाकर आपस में बांध ले सिर्फ 2 मिनट के लिए। ऐसा करने से आपके अपने चाहने वाले के दिल में, दिमाग में, जहन में सिर्फ आप होंगे और कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेम करने वाला या वाली जो भी कोई है, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका रिलेटिव, जिसको भी आप प्रेम करते हो, जिसको आप पाना चाहते हो, वो व्यक्ति आपके लिए लालायित होगा और आपके लिए तरसेगा, आपको पाना चाहेगा। इस बार गंगा थोड़ी उल्टी बहेगी, इस बार की दिशा थोड़ी दूसरी तरफ चलेगी, इस बार की जो दिशा है वो तुम्हारे हिसाब से वर्क करेगी। आप समझ रहे होंगे, प्रेम पाना जिस प्रकार भगवान पाने जैसी व्यवस्था है, वैसे ही एक अच्छा ज्योतिषी होना, एक अच्छा कैलकुलेटर होना, एक अच्छा व्यवस्थाओं का जानकार होना भी अपने आप में बहुत प्रारब्ध की बात है। तुम्हें जो भी कुछ मिल रहा है भाग्य से, प्रारब्ध से मिल रहा है। अगर तुम इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हो तो सावधान, अब तुम्हारा प्रेम तो तुम्हें मिलेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। बस तुम गलतियां मत करना, तुम डगमगा मत जाना, तुम्हें सुधरना है, तुम्हें ठीक होना है, तुम्हें सुव्यवस्थित होना है, तुम्हें जैसे चलाया जाए वैसे बस चलते रहना, प्रेम तो तुम्हारा मिलेगा ही, इसमें कदाचित संदेह नहीं। जब 20 लाख लोगों को प्रेम मिल चुका है, जब अन्यान्य लोगों के काम किए जा चुके हैं, जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्रेम दिलाया गया है, जब नाना प्रकार के लोगों की व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है, तो तुम्हारे लिए ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो नहीं की जा सकती। बस तुम्हारी सच्चाई की आवश्यकता है, तुम्हारी दृढ़ता की आवश्यकता है, तुम्हारे ढांढस की आवश्यकता है, तुम्हारे भरोसे की आवश्यकता है। अगर ये सब कुछ मिलता है तो तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिलेगा, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। मैं रोज शाम को 4 बजे आपके साथ लाइव बात करता हूं, मैं रोज आपको नए उपाय बताता हूं। आपके देखते देखते जाने कितने सारे लोगों के काम हो गए, आपके देखते देखते हजारों लाखों लोगों का काम होता चला जा रहा है। रोज नित्य प्रतिदिन लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी को प्रेम मिल रहा है, किसी को जीवन साथी मिल रहा है, किसी को अपना व्यक्ति मिल रहा है और किसी को खोया हुआ प्यार वापस आ रहा है। ये सब चीजें हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें बनाई जा रही हैं, इन सारी की सारी चीजों को क्रिएट किया जा रहा है और पूरी तरह से, आधी तरीके से नहीं, हमेशा के लिए 100% तरीके से। और एक महत्वपूर्ण बात, हम आपकी हर रिसर्च को, हर बात को गोपनीय रखते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम उसकी ही बात करते हैं जिसकी आवश्यकता होती है या वो खुद वांट करता है। जब तक आप नहीं चाहते तब तक आपकी कोई भी बात YouTube के ऊपर नहीं दिखाई जाती। हम यहां पर रिसर्च लेके आते हैं, हम यहां पर हर बार एक नई चीज आपके साथ साझा करते हैं। प्रेम दिल के अंदर का दर्द है, प्रेम वो अंतरंग एहसास है अंदर का, जिसे समझने के लिए तुम्हें पहले प्रेम में जाना होगा तभी समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। तो तुमने बहुत अच्छे से सीखा और समझा और जाना कि तुम्हें पानी खूब पीना है, आधे आधे घंटे पर अलार्म लगा करके पानी पीना है, तो समझ आ गया होगा ना। तुम्हें खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, ये भी समझ आ गया। तुम्हें सुंदर बनने की कोशिश करनी है, खराब नहीं। तुम्हें सोते समय भी अगर कोई पिक्चर खींच ले तो भाई फोटोजेनिक होना चाहिए, दीवार पे लगाने वाली फोटो आनी चाहिए, ऐसे बन के रहना है तुम्हें। अपनी आंखों को आदत डालो सुंदर बन के रहने की, खुद के लिए, दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, स्वयं के लिए जीना शुरू करो। तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। तुम्हें मेमना नहीं बनना, शेर बनना है। तुम शेर बनो तो सही, दिशा हम दिखा रहे हैं तुम्हें, तुम्हें उस तरफ लेकर चल रहे हैं, उस प्रेम डगर की भूल भुलैया में हम तुम्हारा रास्ता बताने के लिए 100% बाध्य हैं। मैंने वेद पुराण उपनिषद की शिक्षा लेने के बाद प्रवचन कथाएं छोड़ करके तुम्हारी इन पतली गलियों में अगर तुम्हारे साथ धूल खा रहा हूं तो कोई कारण होगा ना इसका।
परमात्मा की इच्छा है, ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन की ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। आज विश्व स्तर पर हर एक देश से, हर एक कंट्री से हमारे पास कॉल्स है, हर एक धर्म और हर संप्रदाय के लोगों के हमारे पास कॉल्स है। ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसा शायद ही कोई देश पता बचा होगा जिस देश से हमारे पास कॉल्स नहीं है। हम सब जगह काम कर पा रहे हैं। हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक विषय पर बात करते हैं। अब आप थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। मैं सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं करता, बच्चा पढ़ता नहीं, व्यापार नहीं चलता, धन नहीं आता, घर में बरकत नहीं है, हजारों चीजें हैं, हम उन पर बात नहीं करते। लोग सारी की सारी चीजों पर बात करते हैं। वहां पर जो लोग दिखते हैं अन्य जगह पर, वो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए खड़े हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक विषय को लेकर के पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं और कुछ करता ही नहीं। ज्योतिषी बनाता हूं, ज्योतिष सिखाता हूं, ज्योतिष बताता हूं, पंडित बनाता हूं, विद्वान बनाता हूं, लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन मैं स्वयं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेम की व्यवस्थाओं को मजबूत करता हूं, बाकी कुछ नहीं करता। आत्म कथा सुनाने का विषय नहीं है ये, बिल्कुल अनर्गल मत लीजिएगा, अन्यथा मत लेने की कोशिश करना। ये मत समझना कि मैं खुद की प्रशंसा कर रहा हूं। मैं स्वयं तुम्हें उस व्यवस्था से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं तुम्हें यथार्थ और सत्य इसलिए बताता हूं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कि तुम फालतू के यूट्यूब चैनल्स में मत चले जाना, तुम फालतू की जगहों पर मत जाना जहां हाथ दिखते हैं और सिर्फ कुछ आवाजें आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से पिक्चर फोटो लगा करके तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाना जब तक प्रमाण नहीं मिलता, जब तक प्रमाणित नहीं हो, जब तक शास्त्रोक्त नहीं हो, वेदोक्त नहीं हो, जब तक कोई ग्रंथ से बात नहीं हो, जब तक पौराणिक नहीं हो, जब तक वास्तविक और रियल नहीं हो, जब तक ऑथेंटिक नहीं हो, तब तक नहीं। केवल डिग्री लेकर के नहीं, गहन अध्ययन चाहिए, रिसर्च चाहिए। ये विषय प्राण हंता है। एक बार पैसे चले जाएंगे चलेगा, किसी भी क्लास में तुम फेल हो जाओगे तो चलेगा यार, एक साल खराब होता है केवल। तुम्हारा जॉब एक छूट जाएगा चलेगा, दूसरा मिल जाएगा, तो अगर तुम टैलेंटेड हो तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। किसी भी चीज में कंप्रोमाइज किया जा सकता है, पर भैया दिल के मामले में कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, जान पे बनाती है। प्राण संकट में आ जाते हैं, इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना हमने। जहां पर ऑलरेडी 20 साल से एक्सपेरिमेंटल चीजें होकर के रिसर्च पर पहुंच चुकी हैं, जहां पर रिजल्ट्स पर पहुंच चुकी हैं चीजें, वहां पर क्यों नहीं। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बिवाई, उनको उस पीड़ा का, उस दर्द का क्या एहसास, उनके जीवन में कभी कोई दर्द आया ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि आज तुम समझने की कोशिश करना, ये गहराई की बात है। अगर तुम्हारा रिलेशन, अगर तुम्हारा प्यार, अगर तुम्हारा जीवन साथी, अगर तुम्हारा संबंध, अगर तुम्हारा वैवाहिक जीवन अव्यवस्थित हो रहा है, तो इसे सुधारने में सबसे पहला तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धर्म, सब कुछ तुम्हारा चाहिए। मैं रास्ता बताऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं 100% तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा, बस तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर वो साहस, वो निडरता चाहिए, वो दृढ़ता चाहिए, पीछे मत हटना। कब तक? जब तक फिरे ना हो पूरे साथ, तब तक नहीं बबूनी बबुआ की। जब तक कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता, यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारी का, जब तक वो पारिग्रहण संस्कार कंप्लीट न हो जाए, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाए, विवाह हो गया है तो समुचित तौर पर चलने लग जाए, तब तक हम तुम्हारे साथ हैं। तो चलो तुम्हें लेकर चलते हैं उस व्यवस्था, उस विषय, उस सिस्टम के तरफ जहां पर हम
मुद्राओं की बात कर रहे हैं, जहां पर हम आज कह रहे हैं कि आपको सिर्फ दो अंगूठों को कुछ सामग्री मिलाकर आपस में जोड़ देना है और इन अंगूठों को जोड़कर तुम चाहो दिल बनाओ और चाहो तो गठबंधन बनाओ, दोनों ही एक बात है। आप चाहे तो दिल बनाएं और चाहे तो गठबंधन बनाएं। एक हाथ सर्प की तरह ऐसे, दूसरा सर्प की तरह ऐसे और अंगूठा ऐसे। इसको शंख मुद्रा भी बोलते, गठबंधन भी बोलते। शंख वैसे सीधे सीधे बनाया जाता है और गठबंधन मुद्रा जो है वो टेढ़ी करके बनाते हैं। शंख जैसा दिखता है इसे गठबंधन मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अगर आप कुछ मिनट रहते हैं तो जो आपका सच्चा प्रेम करने वाली या वाला है उसके दिल में सीधे कनेक्शन बनता है, सीधे आकर्षण बनता है। अब ये कैसे होता है? ये होता ऐसे है कि तुम्हारे इन आगे के पोर्शंस में, आगे के ये जो पोर हैं जिनको आप फिंगर टिप्स बोलते हैं, यहां पर कुछ रेखाएं हैं, उन रेखाओं से आकृति बनी हुई है जिसमें शंख चक्र पद्म गदा इत्यादि बड़ी सारी आकृतियां हैं जिसमें से प्रमुख तौर पर शंख और चक्र माने जाते हैं। तो कहते हैं कि दसो शंख राजा दसो शंख जोगी, दस अगर शंख है तो वो योगी होगा, अगर दस चक्र है तो राजा के समान होगा। ऐसी कई सारी सूत्र हैं ज्योतिष में, हस्तरेखा इत्यादि में। तो आपको अंगूठा इसलिए मिलाना है कि अंगूठा तुम्हारा अपना सिग्नेचर है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो अंगूठा लगाते हैं। किसी को हम अच्छा कुछ कहने वाले होते तो थम्स अप करते हैं, थम्स अप ऐसे करते ना। किसी को डाउन करना हो तो थम्स डाउन बोलते। तुम जिसको कुछ दे रहे हो, तुम्हारी जब कुछ बात होती हो तो थम्स से होती है, इसीलिए मैं थम रिंग बताता हूं लोगों को। अंगूठे से तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर इत्यादि भी देखा जाता है हस्तरेखा में। जिन लोगों का अंगूठा पीछे बहुत झुकता है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, जिनका नहीं झुकता, घूमता ही नहीं, पीछे जाता ही नहीं, समझ लो वो बड़े कठोर हैं। तो जो कठोर है उनके जीवन में प्रेम आने की संभावना थोड़ी कम होती है। क्योंकि वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। स्वभाव नेचर व्यक्तित्व ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, ये सब हमने पढ़ा है बचपन में, आप सबने भी पढ़ा होगा। तो अंगूठा व्यक्तित्व का रिप्रेजेंटेटिव है, अंगूठा तुम्हारे स्वभाव का, नेचर का, तुम्हारे व्यक्तित्व का। मैंने भी कहा था कुछ दो दिन पहले शायद, प्रकृति आपके जीवन में प्रेम का सबसे बड़ा सूत्रपात करने का काम करती है। अब प्रकृति दो प्रकार की है, प्रकृति को नेचर कहते हो ना तुम लोग। एक नेचर वो है जो बाहर, जिसको आप भगवान कह सकते हो, वो भी उसको भी नेचर कहते हैं। और एक नेचर वो है जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा व्यक्तित्व है। उस नेचर की वजह से भी बहुत बार रिलेशंस खराब हो। तो चलो आज वो तरीका, वो ढंग तुम्हें बता रहा हूं। एक अंगूठा तुम्हारा और एक तुम्हारे पार्टनर का, दोनों को मिलाना है। और मिलाना कैसे है? दोनों के दोनों अंगूठों में पहले बहुत हल्की हल्दी लगा देनी है, सूखी वाली, और उसके ऊपर से शहद लपेटना है। और शहद लपेट कर दोनों अंगूठों को आपस में जोड़ दें। बहुत इजी है कि दिल बना सकते हैं ताकि वो जुड़ा रहे, और सही तरीका है कि गठबंधन मुद्रा बनाएं। जब आप आपस में ऐसे कर सकते हैं, एक हाथ ऊपर राइट वाला नीचे, उंगलियों से उंगलियों को पकड़ा और अंगूठे को अंगूठे में मिला दिया, ये हो गई गठबंधन मुद्रा। समझ रहे हैं आप? अंगूठे से अंगूठा मिलना चाहिए। तो ये जब अंगूठे से अंगूठा आप मिलाएंगे शहद से, तो आपस में मधुरता धीरे 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 शहद की, एक दूसरे अंगूठे में शहद लग रहा होगा, इसे लगने दीजिएगा। ये दो से चार मिनट, पांच मिनट तक
ऐसे ही रखिएगा अपने आप को। अभी हम समय और कुछ चीजें और इसमें एड ऑन कर रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझिएगा। इसे 2-4 मिनट तक जोड़कर रखिएगा। थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि कुछ काम नहीं है, अजीबोगरीब तरीके से चुपचाप बैठना है। तो आप पूजा के टाइम पर, साधना के टाइम पर, ध्यान मेडिटेशन के टाइम पर ये काम करके चुपचाप बैठ सकते हो एक मुद्रा में। अब आपको एक अद्भुत और दिव्य मंत्र है जिसका उच्चारण करना है, और उसके पश्चात एक और क्रिया है जो करनी है। इस क्रिया के करते ही तुम्हारे अंदर एक जागृति होगी, एक दीपक जलेगा और उसकी रोशनी वहां आएगी, और उसकी लौ से, उसकी आंच से तुम्हारा प्यार खींच कर आएगा। ये 100% काम करता है, करके देखिएगा। अब आपको वो मंत्र बताता हूं पहले, फिर वो लास्ट की विधि बताता हूं। ये किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो, जब मर्जी करे तब कर सकते हो, कुछ खास मुश्किल नहीं। मंत्र समझ लीजिए। मम हृदयम मधुरम, मम हृदयम मधुरम, मम हृदयम मधुरम, मम हृदयम मधुरम। बहुत प्यार से, बहुत गुनगुनाते हुए, बहुत मस्ती में ये करिएगा। मम हृदयम मधुरम, मम हृदयम मधुरम। हृदय मतलब दिल है ना, दिल की बात, दिल से दिल तक पहुंच के दिल को दस्तक देगी। चला मधुर से करना। अंतिम में इनको प्रसाद समझकर दोनों को आपको खूब अच्छे से, ऐसे बच्चे अंगूठा चूसते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से खूब प्यार से, खूब अच्छे तरीके से साफ कीजिएगा। फिर हाथ हाथ धुल करके आप स्वच्छ कर सकते हैं, बाकी अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। तो ये किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। प्रायः देखा गया एक आध बार में ही फर्क पड़ जाता है, अगर अधिक बार भी करना पड़े तो इसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं है। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, गुरु भक्ति बहुत आवश्यक है। गुरु का सत्कार, गुरु के प्रति आदर और गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक है, उसके बगैर कोई काम नहीं होता। गुरु का आदेश हो तो विश्व में कुछ भी काम संभव हो जाता है। अपना ध्यान रखना, खूब पानी पीना, मुस्कुराना, सुंदर बनने की कोशिश करना, प्रीवियस लाइफ कभी शेयर मत करना। ध्यान रखना अपना, मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारी प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपत्ति, धन खूब सारा भरे, और प्यार तो भरे ही, उसकी तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय।